हेलो बुकड़ो, कैसे हो आप सब। तो भैया आज आपको एक ऐसी जगह पर लेके आई हूँ जहाँ पे अभी आप देखने वाले हैं बहुत बड़ा ट्रेड फेयर लगा हुआ है। जी हाँ, अभी मैं आ गई हूँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। यहाँ पे लगा है यूपी टेक्स की तरफ से एक ट्रेड फेयर जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो बहुत बाहर से आए हैं, मतलब थाईलैंड से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, जगह जगह से अपना बिजनेस करके, मतलब अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अभी इनसे चलेंगे, बात करेंगे और दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या है। और डेट नोट कर लो, 25 जनवरी से 30 जनवरी तक ये लगा हुआ है ट्रेड। और अभी चलेंगे दिखाएंगे यहाँ पे, काफ़ी भीड़ आ रही है। और मैंने सोचा मैं आपके लिए जाके यहाँ पे ब्लॉग बना लेती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या है। तो घर में बैठे हो तो उठो, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आ जाओ और यहाँ पे शॉपिंग करो धड़ाधड़। बहुत अच्छे अच्छे सामान है यहाँ पे, मतलब बाहर से आए हुए हैं जो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, बहुत खूबसूरत से। तो चलो अभी फटाफट अंदर दिखाते हैं। ये यूपी टेक्स के बारे में आपको बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो है जो लगा हुआ है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। ये देखिए यहाँ का माहौल, यहाँ पे भीड़ देखिए। तो अभी उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें भी हैं, ये आप देख सकते हो, कलर सॉल्यूशंस, बैग्स वगैरह भी हैं, मिजाज इंटरनेशनल के हैं, छोटे छोटे से मतलब लोगों ने अपने यहाँ पे जो भी उनका ट्रेड है उसको प्रमोट करने के लिए। ये देखिए आप, तरह के बैग्स भी हैं यहाँ पे। और तो और सोफ़ा वगैरह लेना है तो आपको भी मिल जाएगा, और शूज़ भी हैं। और ये देखिए फटाफट आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, क्या पता आपको कुछ आपके मतलब की चीज़ दिख जाए। रजीम एंटरप्राइजेस है, पूरा वाइट इनका है। और ये देखिए, अभी मैं इससे पहले भी देख रही थी वहाँ पे भी लेके चलूँगी, यहाँ पे थाईलैंड से लोग आए हुए। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये देखिए ये है जूट का, पटना से आए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? ये कितने की दे रहे हैं? 500 की है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, देखिए हैंडीक्राफ्ट। ये दिल्ली से आए हैं, ये बैग्स वगैरह भी है यहाँ पे। भैया कितने का दे रहे हैं? वो बैग कितने का है भैया? 250 का। कोई भी बैग लें, सबका अलग अलग है। अच्छा, सबका अलग अलग प्राइस है। उसके अलावा ये देखिए बहुत खूबसूरत सी चीज़ें दिखाने वाली हूँ आज आपको इस वीडियो में। ये देखिए, ये आप ले सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं, इस तरह से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए, और भीड़ अच्छी खासी भी आ रही है, उसके अलावा इधर भी है। और हमारे साथ वहाँ सनद आए हैं जो कि काम कर रहे हैं अपना, तो सनद आज हमारे साथ कैमरे पर है और अभी इन्हें दिखाएंगे। ये देखिए, ये फर्नीचर वाली चीज़ें हैं, प्यारी से लग रही है, हाँ बहुत खूबसूरत है। और ये देखिए भैया, ये कितने का दे रहे हैं? 250 सही है, ज़्यादा प्राइस भी वैसे नहीं है, ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं घर पे, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और ये कितने का दे रहे हैं? 50 मुझे की रिंग तो चाहिए यार ऐसी। ये सब जूट का है, आप दिल्ली से आए हैं? और ये 250 का है, सुंदर तो लग रहा है, घर के लिए ले जा सकते हैं ऐसा कुछ यहाँ से। और ये देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ये देखिए चूट से, ये इंडियन HCUP घर में आप लगा सकते हो इसे। फटाफट यहाँ से आपको दिखाती हूँ। और देखिए टाइमिंग यहाँ की, सुबह 10 बजे से ओपन हो जाता है और फिर उसके बाद में ये रहेगा रात को 10 बजे तक ओपन। कन्नौज हेरिटेज, कन्नौज का आपने इत्र तो सुना ही होगा, ये देखिए यहाँ पे होता है। अगर आपको इत्र वगैरह भी लेने हैं तो फिर ये ट्राई कर सकते हैं आप, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये भी मिलेगा आपको यहाँ पे। अभी फटाफट लेके चलते हैं थाईलैंड वाले बॉक्स की तरफ में, आपको शूट कर रहे हैं यूट्यूब के लिए। तो ये क्या है अभी? ये कंपोजिट सिलेंडर है, कंपोनेंट है, नया प्रोडक्ट है, पिछले साल और 2 सालों से ये मार्केट पे है, मार्केट में है, आप इसे पहली बार देख रहे हैं अभी। तो इसके क्या बेनिफिट्स है? इस पे जो है, आप जो नॉर्मल कनेक्शन आपके पास होता है वो लोहे का रहता है, हाँ हाँ, उसकी जगह पे आप इसको चेंज करा सकते हैं, सिक्योरिटी का डिफरेंस देखिए। इसका पर सिलेंडर 2000 है सिक्योरिटी, हाँ हाँ, जो आपने पहले से लिया हुआ है उसको, उसका सिक्योरिटी आपका लेस हो जाएगा, नहीं ले सकते। इसके बेनिफिट ये है, हाँ, इसपे जंग नहीं लगता है। अच्छा, जंग नहीं, ये मतलब प्लास्टिक का है क्या? ये अंदर तो लग रहा है लोहा ही है। अच्छा, कम्पोजिट है, ओके। तो ये क्या प्राइस है इसका?
इसका प्राइस जो है 10 केजी के हिसाब से पड़ेगा 640 रुपीज़। 600। इसमें टोटल गैस कितनी होती है? 10 किलो 10 केजी होती है। नॉर्मल जो आप लोहे का सिलेंडर देखते हैं 14 किलो होती है, उसमें गैस 30 किलोग्राम वेट होता है, क्रॉस वेट मतलब। अच्छा, हाँ 30 किलो होता है। मतलब 15 किलो टोटल, 16 किलो के, हाँ ऐसा ही हाफ होगा। जो लोगों को उठाने में दिक्कत होती है, जैसे ये वाला है बहुत भारी होता है, इसका भी निकाला है क्या छोटा कंपोनेंट? ये तो कमर्शियल है, कमर्शियल वाले में नहीं है, इसमें मिल जाएगा। तो ये हल्का, और इसका प्राइस क्या रेट क्या रहता है? इसका 640 रुपीज़ पर केजी में सेम है। क्या करना होगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट में बस आपको करना पड़ेगा, जैसे आपको एलपीजी कनेक्शन है पहले से। ये और जगह में मिल जाएगा? हाँ, पूरे ऑल ओवर लखनऊ या इंडिया में कहीं भी आप किसी भी इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर पे जाइए, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट ये मिल जाएगा। और ये उठाने में भी बहुत इजी है, कभी कभी जब हमारे घर में सिलेंडर आता है तो हमें उठाने में दिक्कत होती है, तो ये देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर है। यहाँ पर आप बोलेंगे कि हमको सिलेंडर जो है वो ट्रांसमिशन है, लेवल डाउन गया है तो पहले आपको इंडियन में ये चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पे। तो अभी ये सारी बातें हो गई, अभी ये फटाफट इधर लेके चलते हैं क्योंकि अभी देर भी हो रही है और भूख भी लगी है। चलो भूख लगी है, खाने का भी इंतजाम है कुछ, तो अभी हम खाने के शोर को भी कवर करेंगे। ये देखिए, और अभी फटाफट ये चलते हैं इधर। इधर आपको मिल जाएंगे खाने के भी कुछ आइटम्स हैं, कैंडीज़ भी मिल जाएंगी, जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए कैंडी का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर कौन कौन सी भैया कैंडीज़ हैं? काफी कुछ है, कोला बॉटल्स मिल जाएगी, मैंगो स्लाइसेस मिल जाएंगे हमारी, आप मिक्स करके बाय कर सकते हैं, मिक्सर मैच का ऑप्शन। अच्छा, मिक्सर का है। क्या 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 प्राइस है इसका? ये अकॉर्डिंग टू वेट होता है मैम, 200 रुपीज़ की 100 ग्राम से 200 रुपीज़ की 100 ग्राम है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए भैया ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और जो कि नहीं हर जगह, जो बच्चे होते हैं ढूंढते हैं, अरे ये क्या बना रहे हैं भाई, ये शायद मसाले हैं। आपका मसाला है कोई, क्या है ये? अशोक मसाले का है। ओके, खुशबू अच्छी आ रही है तो आप समझ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सोया चाप, अच्छा बना बनाया है, घर में ले जाके बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये दिखाते हैं। और इधर सनत को तो आज लग रहा है उधर ही रुकना है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये राजस्थानी रोस्टेड नमकीन लेके आए हैं। सबसे बेस्ट नमकीन कौन सी है आपके भैया? बेटा सबसे बेस्ट नमकीन ट्राई करो, सबसे बढ़िया बताइए। सबसे बढ़िया ये लोग कॉकटेल मिक्स, कॉकटेल मिक्स ये किस पे है? चने और उस पे है, पांच से छह तरीके की नमकीन होंगे, कॉकटेल मिक्स है, चखना है, चखना है, चखना हमसे लेकर के जाना है। ये लो, तो ये देखो करेले की चिप्स, करेले का चिप्स भी मैं ट्राई करके देखी यहाँ पे, कटहल की चिप्स है, किनोवा की है, सोया की है, कॉर्न की है, ये कैरेट की है, पालक की है, पुदीने की है, ये रागी क्रीम एंड अनियन है, रागी मसाला, बीटरूट पेरी पेरी और बीटरूट क्रीम एंड अनियन, रागी रोस्टेड आइटम, ये कौन सा हेल्दी आइटम है? मैं रागी मसाला है, पेरी पेरी, एक कप देखो, करेले की है, कितने की? ये केले का है, टेस्ट अच्छा है यहाँ पे। और चलो मैं देख रही हूँ, मिथोरी वगैरह भी हैं, अचार भी यहाँ पे मिलेंगे, और ये अच्छा है, अचार लेना है वो अचार भी ले सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये क्या है? ये बेसन के सेमी फ्राइड गट्टे हैं, सब्जी बनाने के लिए, सब्जी के गट्टे हैं, बड़ी मूंग दाल की बड़ी, मूंग दाल की बड़ी वही मिलेगी, और ये भी मिलेगा, 150 का पैक सारी चीजें हैं भैया। ये आपकी पालक वाली करेले वाली कितने की है एक बार बता दीजिए? 300 के 250 ग्राम मिल रही है यहाँ पे। उसके अलावा ये भी है कुछ जो आप चने में ढूंढते हैं वो भी मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये देख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स अगर लेने हैं आपको तो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट पे ट्राई कर सकते हो। हाथरस की शुद्ध हींग, तो जिन्हें हींग वगैरह देखनी है, हाथरस की हींग पेड़ा है ये। हाँ जी, ये कैसे दे रहे हैं? 100 रुपये का मैम, एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ एक फ्री। हाँ जी, गैस वगैरह में आराम रहेगी इसको खाने से, गैस वगैरह के लिए तो और थोड़ा स्ट्रांग चाहिए तो ये लीजिए, ये हींग पेटी रहेगा, इसको चूसना है केवल, चबाना नहीं है। हाँ, पेट में दर्द हो, पेट में गैस बनना हो, एसिडिटी बनना हो, ये वाला 150 रुपये का, एक के साथ एक फ्री। हींग पेटी है पर खट्टा है, ये हींग है मैम, इसमें चटनी सर, ये हींग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है,
₹100 का पैकेट है। क्या प्राइसेस का? मतलब ₹300 का सिंगल पीस, ₹300 का सिंगल पीस के साथ एक फ्री दे रहे हैं, एक के साथ एक फ्री, ₹300 में ये दो दे रहे हैं। हींग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए यहाँ पे ये अचार वगैरह भी हैं यहाँ पे। अरे वाह, ये बुटीक का है, ये सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये कितने का है? 1600 का। आप कहाँ से आए हो? लखनऊ से ही हैं। आपकी कोई और शॉप है कहीं पे? हजरतगंज में। कहाँ पे? कहाँ पे? यूपी हैंड गेट नंबर 2 मेट्रो, वहाँ पे आप ये ले सकते हो। देख लीजिए इसका क्या प्राइस है वैसे? ₹1600 का है ये। चलो फटाफट देख लेते हैं क्योंकि अभी हमें इधर भी देखना है। आपको मैं जितना दिखा सकती हूँ वो दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर से है शीशे। कितने कैसे दे रहे हैं ये वाला? ये बड़ा वाला आपको 1500 का डिस्काउंट है, आपको 1200 का पड़ेगा। 1200 का पड़ जाएगा। दुपट्टे वगैरह भी हैं, कालीन भी है और शूज वगैरह भी हैं इधर, तेल का भी है इंतज़ाम, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बस ये देखिए, बैग्स वगैरह भी ले सकते हैं, पेंटिंग के लिए सारी चीज़ें भी ले सकते हैं। और बिस्किट का भी है यहाँ पे। आओ भीड़ भी अच्छी खासी हो रही है। अच्छा ये शुगर फ्री वाले कोई लड्डू हैं क्या इसमें? शुगर, रिफाइंड शुगर किसी में भी नहीं है। किसी में नहीं है। जो बिस्किट है वो देसी खांड से बनाए हैं। अच्छा, मुरब्बा बार सोल्ड आउट हो गया, वो भी मिश्री से बना था। और ये क्या है? ये ड्राई फ्रूट है, ये खजूर से बना है। खजूर से। तो ये देख सकते हैं इनकी फार्म है, वहाँ का ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मसाले वगैरह भी लोग अपने ट्राई करा रहे हैं। और कश्मीरी कावा है यहाँ पे, कश्मीरी कावा तो बहुत मिल रहा है मैंने देखा यहाँ पे। और इसके अलावा ये क्या है मैम? गिफ्ट्स हैं हमारी। अच्छा, सॉसेस वगैरह। ये प्लेन मेयोनीज भी मैम हमारी स्प्रिंकल्स। हम्म, तो यहाँ पर भी है और ऑरिगैनो भी है। चलो फटाफट देख लेते हैं क्योंकि हमें अभी निकलना। मैं आपको बस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो कपड़े धोने की मशीन, छोटी मशीन, ये बनारस से आए हैं, ये बिजनौर से आए हैं, ये रामपुर से आए हैं, तो जगह जगह से लोग आए हैं यहाँ पे। ये मिर्ज़ापुर से हैं, ये देखिए इस तरह से चीज़ें भी हैं। यहाँ चंदौली से आए हुए हैं ये, और ये साड़ियाँ वगैरह हैं यहाँ पे, ये अमरोहा से हैं। और तो और ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश बागपत, सहारनपुर से आए हैं। सनत भी सहारनपुर का ही है, सनत सहारनपुर से आए हैं। तो यहाँ पे कुछ देख लो वहाँ और सस्ता पड़ेगा। और ये खाने की लगी है। चलो उससे पहले एक आपको सस्पेंस दिखा रहे हैं, बता रही थी मैं उतनी देर से कि थाईलैंड से आई हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। ये देखिए देखिए, ये आए हैं पनीडा थाईलैंड से। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये देखो इस तरह से आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। बैग्स वगैरह हैं यहाँ पर, ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। उसके अलावा ये दिखाते हैं हम आपको, ये भी थाई एंड इंटरनेशनल थाईलैंड से भी आए हैं लोग यहाँ पे। और ये छोटी छोटी सी ये आपको शॉप्स दिख जाएंगे यहाँ पे। फटाफट इधर ले चलते हैं आपको। ये है गोल्ड क्रॉस, थाईलैंड से ही हैं। और अगर आपको बैक पेन वगैरह भी होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये है, और ये देखिए भीड़ कितनी अच्छी खासी है। ज्वेलरी वगैरह लेना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये प्यारी लग रही है, ऐसा कुछ लेना है हमें। और ये है था, और यहाँ से आप सामान ले सकते हैं। ये है तिजोरी ज्वेलर्स, तो अच्छा खासा है। ये देखिए कुंजना थाईलैंड से है ये, और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और भीड़ भी है काफ़ी। और मुझे सबसे अच्छा सेक्शन लगा ये देखो, कितनी प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। और ये अगर आपको लेना है तो यहाँ एक बार ज़रूर आइए भाई, मज़ा आ गई।
क्रशी वाली चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें थी यहाँ पे आपको मैंने दिखाया। चलो अभी बाहर फटाफट चलते हैं। तो यहाँ आइए, ज़रूर आइए, लखीमपुर खीरी से आए हैं आप लोग। लखीमपुर खीरी से आए हो जी? जी, हम लखीमपुर। ये कितने का दे रहे हैं? 300 रुपये का मिल जाएगा ये। ये देखिए, हाथ से बनाया हुआ है सब कुछ। लखीमपुर से आए हैं ये, वाराणसी से हैं। और ये देखो, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी हैं। ये प्यारे लग रहे हैं, यहाँ से हैंडमेड है। ये कितने का है? 150 रुपये का है ये बस। ये कितना प्यारा लग रहा है। ये कितने का दे रहे भैया? हाँ, 70 रुपये का। अच्छा, बढ़िया है, अच्छा है सामान। तो भैया आपने देख लिया होगा, यहाँ पे बढ़िया है सब कुछ, बहुत अच्छा है। खाने पीने की सारी व्यवस्था है यहाँ पे। पीछे आपको खाने का भी मिल जाएगा, स्टॉल छोटे छोटे से लगे हुए हैं। और ये यूपीटेक्स लगा हुआ है 25 से 29 जनवरी के लिए। और टाइमिंग इसकी है सुबह 11 से रात को 10 बजे तक यहाँ पे खुला रहेगा। आइए, बढ़िया है, यहाँ पे बहुत सारे सामान भी लगे हुए हैं और खाने पीने की व्यवस्था भी बढ़िया है और सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये वीडियो उन लोगों को भर के शेयर कर दो जो घर में बैठे हैं और घर से निकल के कहीं ऐसे एग्जीबिशन या ट्रेड फेयर में जाना चाहते हैं जो कि लगा हुआ है। और लोकेशन एक बार फिर से नोट कर लो, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गेट नंबर 2 पे मिलेगा यूपीटेक्स उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर पे। तो ये वीडियो भर भर के शेयर कर दो। हम मिलेंगे किसी और नए ब्लॉग में, और तब तक ये ब्लॉग भर भर के शेयर कर देना सबको। और अगर आना चाहते हो तो फटाफट भाग के आ जाना। और ज़्यादा अंदर टिकट भी, एंट्री ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 40 रुपये, 40 से 50 की है। और मज़ा आ गया है, मिलेंगे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।